मथुरा के कोसीकला में भीषण सड़क हादसा, बिजली के खंभे से टकराई पिकअप गाड़ी, 5 मजदूरों की मौत, 5 घायल। मथुरा में गुरुवार सुबह कोसीकला थाना क्षेत्र के अंतर्गत शेरगढ़ कोसी मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल 5 अन्य मजदूरों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सभी मृतक और घायल बिहार के गया के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ से होडल पलवल जाने के लिए सभी मजदूर एक निजी पिकअप में बैठे थे। कोसीकला क्षेत्र के अंतर्गत शेरगढ़ कोसी मार्ग पर पिकअप अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसके बाद बिजली का तार कर गाड़ी पर गिर गया और हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हुई। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, 5 गंभीर रूप से घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर पिकअप लेकर फरार हो गया। हादसे की सूचना पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और डीएम व एसएसपी भी जिला अस्पताल पहुंचे और सीएमएस को घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। साथ ही मृतकों के परिजनों से संपर्क कर उनके शवों को सौंपने का भी निर्देश दिया। कहां के रहने वाले हो? गया जिला। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? आ रहे थे रास्ते में, पिकअप को पोल में धक्का मार के तार गिरा दिया, सब कूदने लगा, ड्राइवर भागे, पीछे गाड़ी करके चढ़ा दिया और भाग गया। हम लोग यहाँ कमाने खाने आए थे। कितने लोगों की मौत हुई? 4 लोग का हो गया और बाकी सब घायल है। कितने लोग घायल हैं इसमें? गाड़ी में थे 25-26 लोग थे। हाँ, तो कितने लोग चपेट में आए थे इसमें? आधा आया, आधा बाकी नहीं आया चपेट। अच्छा, मौके पे कितने की मौत हो गई? मौत हुआ 4 लोग। महिला थी या पुरुष थे? महिला थी, चारों महिला थी। कितने लोगों की मौत हुई? देखिए, आज बिहार से कुछ लोग यहाँ खुशी आ रहे थे, तो वो नेक्स्ट गाड़ियों से वो आ रहे थे, तो एक्सीडेंट हो गया था कुछ के पास, वहाँ पर उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग यहाँ जिला अस्पताल आए हुए हैं, जिनमें जो कोई हालत ठीक हो तो उनको आगे रेफर किया गया है, थोड़ी ज़्यादा चुट गए हैं और बाकी 3 लोग यहीं पर बैठे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? लोग बिहार से आए, यहाँ का ही सफाई का काम करते हैं और बिहार से आ रहे हैं। जानकारी में आया, घटना कैसे हुई? ड्राइवर है, उसने एक्सीडेंट कर दिया था, किसी पोल में किसी में उसने टक्कर मार दी थी, इसकी वजह से। आज अर्ली मॉर्निंग थाना कोसी क्षेत्र में शेरगढ़ कोसी मार्ग पे एक पिकअप गाड़ी थी, जिसपे भट्ठे पे मजदूरी करने के लिए लोग बिहार से आ रहे थे और उनको होडल जनपद पलवल हरियाणा जाना था। रास्ते में ये पिकअप वाहन एक विद्युत खंभे से टकराई और उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी बैक किया और उसी बीच जो उसके लोग सवार थे उस पर से उतर रहे थे, उसी में ये दुर्घटना हुई। इसमें मौके पर 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक की मृत्यु दौरान इलाज अस्पताल में हुई। शेष लोगों का 4 लोगों का इलाज चल रहा है और इसमें जो वाहन स्वामी है, वाहन चालक है, उसका पता लगाया जा रहा है। जल्दी उनका पता लगा के कठोर विधि कार्रवाई उनके विरुद्ध सुनिश्चित कराई जाएगी और जो भी इलाजरत हैं इनका समुचित इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। एक पेशेंट को रेफर कर दिया गया है बेहतर इलाज के लिए आगरा, वहाँ पे उनका इलाज चलेगा। देखिए, जो हमारे 4 घायल लोग हैं उसमें से जैसा अभी एसएसपी साहब ने बताया कि एक को एसएन मेडिकल कॉलेज, एक पेशेंट को भेजा गया है, 3 लोग का यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। सारी ट्रीटमेंट की व्यवस्था यहाँ पुख्ता की जा रही है, निःशुल्क व्यवस्था है, परिजनों से बातचीत भी की गई है, पूरा प्रशासन उनके साथ है इस दुख की घड़ी में और हमारा कोशिश होगा कि जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सके वो इनको इलाज दिया जाए। और इस बारे में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को भी पूरी घटना से अवगत कराया है और आगे जैसा निर्देश होगा उसके हिसाब से कराया है।